वेलकम फ्रेंड, हमारी पिछली वीडियो में हमने आपको पीकॉक ये टेराकोटा पेंडेंट बनाना सिखाया था कि ये कैसे बनाते हैं। तो उसके बाद हम बेकिंग का मेरा अलग वीडियो है जिसका लिंक मैं आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप देख सकते हैं कैसे हम बेक करते हैं। तो आज मैं आपको इसमें हमें पेंट कैसे करना है वो मैं आपको दिखाऊँगी। तो सबसे पहले हमें अपना पिकॉक का बॉडी जो होती है वो डार्क ब्लू कलर की होती है, आपने देखा होगा। तो मैं यहाँ पर देखिए, ये मैं कैमल के जो आर्टिस्टिक एक्रिलिक कलर्स यूज़ करती हूँ, ये पर्शियन ब्लू है। पर्शियन ब्लू के साथ मैं थोड़ा ब्लू जो हमारा सिंपल ब्लू होता है वो मिक्स करूँगी। उसको मिक्स करने के बाद हमारा कुछ नेचुरल पिकॉक कलर आ जाएगा जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम इसी से शुरुआत करेंगे। हमें कम्प्लीटली जो हमारी पिकॉक की बॉडी है वो पूरी तरीके से ब्लू रखनी है। ये देखिए, इवनली करना है आपको, केयरफुली करना है ताकि नीचे जो है वहाँ पर आपका ये ज़्यादा टच ना हो और जो डिटेलिंग पार्ट्स है जो भी है वो सारा अच्छे से कवर करना है। और ब्रश जब भी आप यूज़ करें तो थोड़ा अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें जिसके ब्रिसल्स जो है बाहर स्प्रेडेड ना हो। तो देखिए बिल्कुल इनसाइड मैं कर रही हूँ, बहुत अंदर अगर नहीं आपसे हो पा रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप करें, छोड़ दीजिए। क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी अपने पेंडेंट को बेक नहीं किया है, जस्ट दिखाने के लिए मैं वैसे ही यूज़ कर रही हूँ। तो बेकिंग के बाद ही अपने में ही बहुत डार्क कलर का हो जाता है, तो अगर आप स्किप भी करोगे बहुत इनसाइड करना तो वो इतना दिखेगा नहीं, इतना नज़र नहीं आएगा। इनसाइड इन आउट आपको अच्छे से, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कर दिया है। अब आपने देखा होगा जो फेदर का जो इनसाइड पोर्शन होता है वो भी बहुत ही डार्क ब्लू कलर में होता है, तो हम इसे डार्क रखेंगे जैसा कि मैंने यहाँ पर रख किया है। और इसके बाद वाली जो एक लेयर है उसको हम थोड़ा लाइट कलर के ब्लू से ही कवर करेंगे। ये देखिए यहाँ पर एक्चुअली ये जो पिकॉक बॉडी मुझे थोड़ा ज़्यादा डार्क लगी, तो मैंने एक और कोट लेकर ब्लू का ही नॉर्मल ब्लू, नॉट पर्शियन ब्लू, वो लेकर इसके ऊपर एक कोट कर दिया है। तो आई थिंक ये अब ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। और ये हमारा जो डार्क है, डार्क के बाद जो एक आपको सर्कल दिख रहा है उसमें हमें अपना लाइट ब्लू कलर देना है। ये देखिए बहुत ही केयरफुली हमें लाइट ब्लू मीन्स जो आपका नॉर्मल ब्लू होता है वो, इसमें आपको पर्शियन ब्लू या डार्क ब्लू ऐड करने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप ब्रश चेंज कर सकते हो जहाँ पर आप ये माइनर छोटा वाला काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये ज़ीरो नंबर का ब्रश होता है, मैं यहाँ पर वो यूज़ कर रही हूँ क्योंकि उससे मैं इजीली कर सकती हूँ और बाहर जाने का भी उससे मुझे डर नहीं है कलर का। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अपने जो पिकॉक कलर्स में जो ब्लू कलर्स हैं वो हमने कर दिया है। अब हमारा बारी है ये वाला कलर करने का जो आउटसाइड है वो। पिकॉक के फैदर्स हमें बहुत अच्छे से पता है कि वो ग्रीन कलर के होते हैं, तो हम उसमें नॉर्मल जो हमारा ग्रीन है वो कलर यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ और हमें स्ट्रोक्स का ध्यान रखना है, इनसाइड टू आउट ऐसे लेना है।
inside to out. बहुत ही केयरफुली, क्योंकि आउटसाइड हमारे बीड्स भी हैं तो उन पे कलर ना जाए तो ज़्यादा अच्छा है. और जो ये आप देख रहे हैं कि इनसाइड पार्ट है, अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप थिन ब्रश लेकर उससे कर सकते हैं, या जो भी आपको कन्वीनियंट लगे उससे कर सकते हैं. तो इस तरीके से हमें पूरा कवर करना है. देखिए, इस तरीके से हमें पूरा कवर करना है अपना ग्रीन कलर से. फिर इसे हम सूखने देंगे. अच्छे से सूख जाएगा तो हम अपनी जो हमारा लास्ट कलर है वो यूज़ करेंगे. अब ये हमारा पेंडेंट अच्छे से ड्राई हो चुका है. अब मैं यहाँ पर अपना गोल्डन कलर यूज़ कर रही हूँ. गोल्डन भी मैं सेम ब्रांड का कैमल का यूज़ कर रही हूँ, और नॉर्मल गोल्ड है, इसमें कोई एंटीक नहीं है. एंटीक अगर आपको करना है तो आप बना सकते हैं उसमें एक ड्रॉप ब्लैक कलर ऐड करके. बाकी मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें अगर आप प्राइमरी कलर से कई तरह के कलर बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, कि जिससे आपको सारे तरह के कलर नहीं ख़रीदने पड़े. तो देखिए, यहाँ पर मैं गोल्डन कलर कर रही हूँ डिटेलिंग के लिए. यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने एक लाइन बनाई हुई है पिकॉक की बॉडी पर, उसको हम गोल्डन कलर से एनहांस करेंगे. यहाँ पे हम अपना वही जो 000 000 जो भी आपके पास ब्रश है डिटेलिंग के लिए वो आप यूज़ करिए प्लीज़, क्योंकि नहीं तो वो इतना क्लीन नहीं आएगा. यहाँ पर हमने पूरी बॉडी डिटेलिंग से पूरा कर दिया है. अब हमें जो हमारे ये जो जितने भी बीड्स हैं उनको कवर करना है अपने गोल्डन कलर से. यहाँ पर मैं वही सेम अपना ब्रश यूज़ करूँगी. जहाँ पर आपका गलती से अगर कलर यूज़ हो जाता है तो पहले एक कोट करके उसे सूखने दीजिए, ड्राई होने दीजिए, लेट देम ड्राई. उसके बाद दूसरा कोट करोगे तो आपको वो कलर नज़र नहीं आएगा. तो इस तरीके से हमें सारे बीड्स अपने गोल्डन कलर से कवर करने हैं. ये देखिए, हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे बीड्स कर दिए हैं अच्छे से. अब जो मेरा लास्ट स्टेप है उसमें मैं क्या करने वाली हूँ, गोल्डन कलर का एक हल्का सा ड्रॉप और उसमें मैक्सिमम पानी मिक्स करके बहुत पतला सा एक गोल्डन कलर का लेयर वो बनाना है, और बहुत पतला, और उससे मैं एक कोट करूँगी अपने ग्रीन कलर के ऊपर. ये देखिए, ये जस्ट फॉर शाइनिंग, जैसे कि हमारा पिकॉक फेदर में रहता है. क्योंकि ये मैट फिनिश है, मैं सारे कलर्स मैट फिनिश ही यूज़ करती हूँ. अगर आपके पास पिकॉक कलर शाइनिंग वाला है तो वेल एंड गुड, सो आपको ज़रूरत नहीं है. अदरवाइज़ बहुत ही पतला गोल्डन कलर बनाकर उसमें लाइक पानी मिक्स करके, और ऐसे देखिए मैंने एक ही बार डिप किया था उसमें, और उसकी शाइनिंग इतनी मेंटेन्ड है कि मुझे बार बार यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है. तो इस तरीके से देखिए, ये बहुत ही प्यारा सा शाइनिंग वाला पेंडेंट आपका बन गया है. आप शायद देख पा रहे होंगे कि इसमें शाइन आ रही है. तो इस तरीके से आप पेंडेंट बना सकते हैं. आई होप आपको ईच सब स्टेप्स समझ में आ गए होंगे. अगर आपको कोई कन्फ्यूशन है, इज़ देर एनी कन्फ्यूशन, यू कैन जस्ट राइट इट इन द कॉमेंट बॉक्स. मैं आपको मैसेज कर दूँगी जो भी आपको कन्फ्यूशन होगा. तो आगे जो भी आपको किसी और तरीके का पेंडेंट आपको सीखना है तो आप प्लीज़ मुझे इनबॉक्स ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपको सिखा पाऊँगी. ये है हमारा टेराकोटा पिकॉक पेंडेंट, और इसका जो दोनों पार्ट्स आप ज़रूर देखिएगा. अगर आपने ये कैसे बनाते हैं वो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप देख लीजिएगा कैसे बनाते हैं. Thank you so much for watching and keep watching. Bye-bye.